ये जो पिछला ओलंपिक था 2021 में, उसमें रवि दहिया का सिल्वर मेडल आया था। पूर्व मुख्यमंत्री कहेंगे मनोहर लाल खट्टर जी ने हमारे गांव में आए थे और उनने घोषणा करी थी कि हम यहाँ पे इंडोर स्टेडियम बना के देंगे गांव को, लेकिन वो चीज़ें आज तक भी धरातल पर कुछ नहीं हो पाया और ये घोषणाएं ही रह गई हैं, फाइलों में बंद हैं। गांव के ही लोगों ने अपनी ज़मीनें दी हैं स्टेडियम बनाने के लिए, लेकिन अभी तक भी ज़मीन देने के बावजूद भी स्टेडियम की एक ईंट तक भी आज तक नहीं लग पाई हमारे गाँव में। खिलाड़ी क्या कुछ मेहनत नहीं करते अपने देश के लिए मेडल लेकर आने के लिए। गांव जंक्शन भी उन खिलाड़ियों के गांव पहुंचा और जाना कि जो खिलाड़ी देश के लिए मेडल लेकर आए और विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन किया, उनके गांव की स्थिति क्या है। ऐसे ही एक गांव में मैं आई हूं। ये गांव कौन सा है और इस गाँव को भी खिलाड़ियों का गाँव क्यों कहते हैं, ये बताएंगे मेरे साथ ये भाई साहब हैं। सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगी सर। मेरा गाँव नाहरी है और मेरा गाँव जो है खेलों से जुड़ा हुआ है। मेरे गांव में कई अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं। अभी पिछले ओलंपिक में रवि दहिया का मेडल भी आया था, सिल्वर मेडल, और उससे पिछले ओलंपिक में हमारे गांव के अमित कुमार ने क्वालिफाई किया था और ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व किया था। तो जैसे कि आपने कुलदीप जी बताया कि खिलाड़ियों का गांव है, ओलंपिक से भी मेडल आए हैं और भी कई मेडल लेकर आए हैं, लेकिन अगर मैं गाँव की आपकी स्थिति की बात करूँ तो आपने जैसा बताया कि खिलाड़ियों का गांव है, लेकिन स्टेडियम की घोषणा होने के बाद भी अब तक स्टेडियम की एक ईंट तक नहीं रखी गई है। ये जो पिछला ओलंपिक था 2021 में, उसमें रवि दहिया का सिल्वर मेडल आया था और माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कहेंगे मनोहर लाल खट्टर जी ने हमारे गांव में आए थे और उनने घोषणा करी थी कि हम यहाँ पे इंडोर स्टेडियम बना के देंगे गाँव को, लेकिन वो चीज़ें आज तक भी धरातल पर कुछ नहीं हो पाया और ये घोषणाएँ ही रह गई हैं, फाइलों में बंद हैं। गांव ने ज़मीन भी दी है सरकार को बनाने के लिए, लेकिन वहां पर कोई काम नहीं हुआ, आज तक एक ईंट तक नहीं लगी है। मेरे ही गांव में 3-3 ओलंपियन भी हैं, कई अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं, वर्ल्ड चैंपियन, कॉमनवेल्थ विजेता भी हैं, लेकिन आज तक भी हम इन जो सुविधाएं जो गांव को मिलनी चाहिए थी वो कुछ भी नहीं हुआ। जैसे कि अभी आपने बोला है कि आप लोगों ने ज़मीन, गाँव के लोगों ने इकट्ठा की है सारी ज़मीन की सरकारी ज़मीन है, थोड़ा सा क्लैरिफाई करें। गांव में पंचायती ज़मीन नहीं है हमारे गांव में, गांव के ही लोगों ने अपनी ज़मीनें दी हैं स्टेडियम बनाने के लिए, लेकिन अभी तक भी ज़मीन देने के बावजूद भी स्टेडियम की एक ईंट तक भी आज तक नहीं लग पाई हमारे गांव में। कभी कोई जवाब आया आप लोगों ने, किसी संबंधित अधिकारी को संपर्क किया हो कि ये अभी तक क्यों नहीं शुरू हुआ? हमने कई बार संपर्क किया है, एक बार नहीं, हमने चंडीगढ़ के भी चक्कर लगाए हैं और अपना हमारा सोनीपत में, सोनीपत वालों पहले कहते थे कि PWD का काम है, फिर PWD वालों ने पल्ला झाड़ दिया, क्या कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का काम है। स्पोर्ट्स वालों के पास जाते हैं तो कहते हैं चंडीगढ़ फाइल अटकी हुई है, चंडीगढ़ चक्कर लगाए तो आप सोनीपत पता करो, सोनीपत पूछते हैं तो कभी कहते हैं कि मिट्टी भी गांव ही भरवाएगा, अब इसमें मिट्टी का भराव ज़्यादा है। ऐसा ही चलता आ रहा है, सब बहाने बना रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा अभी तक। एक ईंट तक भी आज तक स्टेडियम की लग नहीं पाई, जबकि अब तक बन जाना चाहिए था। इतने मेडल देश के लिए हमारे गाँव के बच्चों ने इतनी मेहनत करी है गांव के लिए, स्टेडियम कोई बड़ी बात नहीं थी, जबकि घोषणा भी हो चुकी है, खट्टर साहब ने करी थी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन अभी तक घोषणाएं फाइलों में ही बंद है। तो अभी क्या मांग है, क्या होना चाहिए? हमारी मांगे तो कोई इतनी बड़ी भी नहीं है, जो घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने करी थी वही पूरी कर दे तो भी गाँव का भविष्य, आने वाले बच्चों का, और भी हम भी बच्चों का प्रोत्साहित करेंगे और आने वाले समय में देश का नाम ऊंचा करेंगे और भी मेडल देश के लिए बच्चे लेकर आएंगे। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी जो सरकार है अभी नायब सैनी जी मुख्यमंत्री हमारे हरियाणा के, उनसे हमारी तो यही दरख्वास्त है कि वो जल्दी से जल्दी स्टेडियम बनवाएं। कुछ गांव की और मूलभूत ज़रूरतें हैं छोटी छोटी, जैसे मेन समस्या हमारे गाँव में पानी की है, कुछ सड़कें कच्ची पड़ी हुई हैं वो हो जाएं, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है बिल्कुल भी। पानी की समस्या की जो आपने बात की, गांव के लोगों ने भी अपनी ये समस्याएं बताई कि बीमारी बढ़ रही है, इतना खराब पानी है कि बच्चों के बाल सफ़ेद हो जा रहे हैं कम उम्र में, क्या चाहते हैं, और बहुत लंबी समस्या है ये हमारे गाँव की। आज के दिन सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की है, पीने के पानी के लिए हम कई बार चक्कर लगा चुके हैं, हालांकि काम तो अभी चल रहा है, अभी अधिकारियों से संपर्क किया था, अभी पिछले हफ्ते हम सोनीपत गए थे तो वहाँ SC साहब और XN साहब से मुलाकात हुई थी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगस्त के महीने में हम आपको घर घर पानी पहुँचा के देंगे। हर घर जल योजना एक केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट से थी,
उसके तहत यहाँ काम चल रहा है, लेकिन अभी जब घर आ जाए पानी तब की बात है। सुनते तो आ रहे हैं हम पिछले कई सालों से कि आएगा पानी, लेकिन अभी तक पानी नहीं आया है। बच्चों के पानी से बाल सफ़ेद हो रहे हैं, 15-15 साल के बच्चों के बाल झड़ जाते हैं टाइम से पहले। बच्चे बूढ़े हमारी माताएं बहनें हैं पेट की समस्याओं से जूझ रही हैं, 45-50 साल के होने से पहले घुटने खराब हो जा रहे हैं, तो बड़ी समस्या है ये। तो सुना आपने, ओलंपियंस का गांव है, कई सारे मेडल लेकर आए हैं इस गांव के खिलाड़ी, लेकिन यहां पर मूलभूत जो चीज़ें हैं, खासकर कि पानी की अगर हम बात करें, पानी के बिना तो कोई अपना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता, उसकी सबसे बड़ी दिक्कत है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि पहलवान मेडल तो लेकर आ रहे हैं, लेकिन स्टेडियम जब खोलने की बारी आई तो सिर्फ घोषणा होकर रह गई, अभी तक एक ईंट भी नहीं रखी है। अब देखना होगा कि सरकार का इस ओर ध्यान कब जाएगा। गांव जंक्शन के लिए मैं नैंसी वाजपेयी।